स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज नंबर 6.8, वी हैव अ क्वेश्चन 5x² - 9 इज इक्वल टू 0। अब देखो इस इक्वेशन में आपको सिर्फ दो क्वांटिटीज दी हुई है, एक x 5x² दिया हुआ है, एक 9 दिया हुआ है। मैंने आपसे कहा x² का मतलब है ये हमारे पास है a, और अगर हमारे पास सिर्फ नंबर है, कांस्टेंट है, उसके साथ a या b नहीं होता तो वो कांस्टेंट हमारे पास होता है c। तो यहाँ पर b की चूंकि कोई वैल्यू नहीं दी हुई इसलिए b हमारे पास होगा इक्वल टू 0। सो आप सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, हेयर a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू -9। चूंकि 0 है b इसलिए प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आप लिखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आप सॉल्व कर रहे हो इक्वेशन यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सिंपली आपने करना क्या है, इक्वेशन में वैल्यूज पुट करोगे, b की वैल्यू है 0, सो माइनस 0 प्लस माइनस अंडर रूट 0 का स्क्वायर माइनस 4, a है हमारे पास 5 एंड c है हमारे पास -9 डिवाइडेड बाय 2 और a है हमारे पास 5। 0 तो हमारे पास 0 रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा x, या ये पूरी पूरा का पूरा फ्रैक्शन 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 0 का स्क्वायर 0 होगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 5 45 एंड 45 4 180 अपॉन 10। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 180 का अगर हम अंडर रूट निकालते हैं वी विल गेट 6 अंडर रूट 5 अपॉन 10। ये आप किस तरह से निकालोगे, 180 का आप LCM लोगे और उससे आप इसको ड्राइव करोगे, या आप कैलकुलेटर में भी इसको निकाल सकते हो। LCM लेकर किस तरह से करोगे, 2 कितने से 180, 2 90 से 180, 2 45 से 90, देन वी हैव 5 9 से 45, 3 3 से 9 एंड 3 1 से 3। यहाँ पर देखो ये हमारे पास ये दो कपल बन रहे हैं और ये दो हमारे पास पेयर्स बन रहे हैं, ये दोनों पेयर्स जो है ये ब्रैकेट से बाहर आ जाते हैं। हमारे पास देखो यहाँ पर ये दोनों बाहर आ जाएंगे, 2 एंड 3 बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा 5, 2 3 से 6 अंडर रूट 5, ऐसे हमारे पास ये आ गया 6 अंडर रूट 5। सो आंसर हमारे पास क्या होगा, इसका बाहर वाला जो नंबर है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं नीचे वाले नंबर से, अंडर रूट को नहीं। सो एक्स इज इक्वल टू प्लस 6 अंडर रूट 5 अपॉन 10, 2 3 से 6, 2 5 से 10। सो x इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 5 अपॉन 5, या आप लिखोगे x इज इक्वल टू माइनस 3 अंडर रूट 5 अपॉन 5। दो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बन गए, प्लस 3 अंडर रूट 5 अपॉन 5 एंड माइनस 3 अंडर रूट 5 अपॉन 5। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट बनाओगे, माइनस 3 अंडर रूट 5 अपॉन 5 एंड 3 अंडर रूट 5 अपॉन 5।